कर्फ्यू के चलते सोलन शहरवासी अपने घरों में हैं। आय के सभी साधन चौपट हो चुके हैं। स्थायी खर्च जैसे पानी, बिजली और टेलीफोन का खर्च को लेकर शहरवासी बेहद चिंतित हैं। जहां कई विभागों ने बिल जमा करवाने के लिए कई तरह की छूट दे रखी है, वहीं अब नगर परिषद ने भी लोगों से पानी के बिल में राहत देने के लिए हाथ आगे बढ़ाया है। ये जानकारी नगर परिषद के अध्यक्ष देवेंद्र ठाकुर ने मीडिया के साथ दी। उन्होंने बताया कि नगर परिषद पानी के बिलों पर लेट फीस चार्ज नहीं करेगा और सोलन शहरवासियों को बिल बाद में जमा करवाने पर छूट भी दी जाएगी। नगर परिषद में जो पानी के बिल हैं उसको हमने 30 अप्रैल तक सस्पेंड किया गया है। इसमें 30 अप्रैल के बाद जो बिल जमा होंगे उस पे किसी भी प्रकार की पेनल्टी नहीं लगाई जाएगी। और जो अगर लॉकडाउन 30 अप्रैल 3 मई के आगे भी बढ़ता है तो ये डेट भी बढ़ा दी जाएगी और जनता को किसी भी प्रकार की पेनल्टी जो 10% हम लेते हैं वो नहीं ली जाएगी। और ऐसा डिसीजन नगर पालिका ने लिया है। इसमें रियायत ये है कि अभी उनसे हम एकदम पैसे नहीं ले रहे हैं और जब लॉकडाउन खत्म होगा तब वो पैसे जमा करा सकते हैं बिना किसी दंड के, बिना किसी पेनल्टी के। वो अपना शुल्क जो उनका एक्चुअल में बनता है वही उनको देना पड़ेगा।